साल 1985 से 89 का समय मिथुन चक्रवर्ती के कैरियर के सबसे उत्तम वर्ष कहे जाते हैं, जहां उन्होंने हर तरह की फिल्मों में हर तरह के किरदार निभाकर सफलता हासिल की। इस दौरान उन्होंने कई बड़ी हिट फिल्मों में काम किया और इन्हीं बड़ी हिट फिल्मों में एक रही सन 1986 की मुद्दत। एजी फिल्म प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले बनी यह फिल्म 20 जून 1986 को रिलीज हुई थी। 2 घंटे 30 मिनट की लंबाई वाली इस फिल्म का निर्माण किया था फिरोज नारियाडवाला ने और इसके निर्देशक थे के बपैया, जिन्होंने इस फिल्म के अलावा मकसद, घर एक मंदिर, आज का दौर, आग और शोला, प्यार का मंदिर, चरणों की सौगंध, प्यार का देवता और कसक जैसी कई फिल्मों का निर्देशन किया है। फिल्म मुद्दत की कहानी और पटकथा लिखी थी परचूरी बंधुओं ने और इसके संवाद लिखे थे कादर खान साहब ने। फिल्म के प्रमुख और सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे मिथुन चक्रवर्ती, जया पर्दा, पद्मिनी कोल्हापुरे, कादर खान, अशोक सराफ, शक्ति कपूर, सत्येन कपूर, श्रीराम लागू, सदाशिव अमरापुरकर आदि। इस फिल्म के संगीत को स्वरों से सजाया था बप्पी लाहिड़ी ने और इनके बोल लिखे थे इंदिवर और एसएच बिहारी ने। इन गीतों को अपनी आवाज से सजाया था किशोर कुमार, आशा भोसले और मोहम्मद अजीज ने। फिल्म में कुल 5 सुमधुर गीत रखे गए थे, जिनके बोल थे, मुझे कहते हैं रोमियो, लव एक्सप्रेस, पेड़ों को गाली देने दो, उठो बहनों जागो बहनों और फिल्म का सबसे लोकप्रिय गीत प्यार हमारा अमर रहेगा। चलिए आप जानते हैं इस फिल्म से जुड़े हुए 15 खास अननोन फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, फिल्म मुद्दत का कुल बजट था तकरीबन 1 करोड़ रुपए और इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 2 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए थे। इस तरह से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। फिल्म मुद्दत साल 1986 की 13वीं सबसे ज्यादा कमाओ फिल्मों में से एक रही। अगर इस साल के 3 सबसे अधिक कमाओ फिल्मों की बात करें तो पहले नंबर पर थी फिल्म कर्मा, जिसने 7 करोड़ रुपए की कमाई की और सुपरहिट साबित हुई। दूसरे स्थान पर रही फिल्म नगीना, जिसने 4 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। वहीं तीसरे स्थान पर रही फिल्म आखिरी रास्ता, जिसने 4 करोड़ 25 लाख रुपए कमाकर सेमी हिट रही। फैक्ट नंबर 2, फिल्म मुद्दत साल 1986 की वो दूसरी फिल्म रही जिसमें मिथुन चक्रवर्ती, पद्मिनी कोल्हापुरे और जया पर्दा ने साथ काम किया था। इससे पहले ये तीनों फिल्म स्वर्ग से सुंदर में भी नजर आए थे और इसी साल ये तीनों एक बार फिर से ऐसा प्यार कहां फिल्म में नजर आए। गौरतलब है कि स्वर्ग से सुंदर और मुद्दत दोनों फिल्मों के निर्देशक भी एक थे, यानी कि के बपैया। फैक्ट नंबर 3, फिल्म मुद्दत को अपने रिलीज के समय समीक्षकों की तीखी आलोचना भी झेलनी पड़ी थी। फिल्म फेयर पत्रिका ने बॉक्स ऑफिस का ब्यौरा देते हुए लिखा था कि ये साल ऐसा रहा जहां पर ये बताना बड़ा मुश्किल है कि कौन सी फिल्म चलेगी और कौन सी नहीं। जहां एक तरफ एक चादर मैलीसी जैसी अच्छी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, वहीं मुद्दत जैसी तर्कहीन और बेसिर पैर की फिल्मों को सफलता हासिल हो रही है और ये सारी बातें समझ से परे है। ये फिल्म क्यों सफल हुई ये अभी तक समझ नहीं आ सका और दर्शकों की पसंद कई बार बहुत अजीब होती है, इसलिए कौन सी फिल्म चल जाएगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। फैक्ट नंबर 4, जया पर्दा से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि संजोग और स्वर्ग से सुंदर जैसी सफल फिल्मों के बाद उन्होंने मुद्दत जैसी अर्थहीन भूमिका क्यों स्वीकार की, तो जया पर्दा ने जवाब दिया कि पिछली कई फिल्मों में वो रोने धोने वाले किरदार कर रही थीं और इस फिल्म में उन्हें एक अलग प्रकार का किरदार निभाने का मौका मिला। भले ही ये रोल बिल्कुल तर्कहीन और मूर्खतापूर्ण था, पर कभी कभी ऐसी भूमिकाएं करने में मजा आता है। उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म की कहानी वास्तव में सत्यवान सावित्री की कहानी का आधुनिक रूप है, जहाँ नायिका अपने पति को मौत के मुँह से बचाने की कोशिश करती है। फैक्ट नंबर 5, मुद्दत फिल्म के एक गीत मुझे कहते हैं रोमियो में अभिनेत्री दिव्या राणा मिथुन चक्रवर्ती के साथ नाचती हुई दिखती हैं। दरअसल दिव्या राणा ने अपनी करियर की शुरुआत राजीव कपूर के साथ की थी, जिनके साथ इन्होंने 3 फिल्मों में काम किया, पर राम तेरे गंगा मैली में जब उनका रोल काट दिया गया तो वो राज कपूर से बेहद खफा हुई। उन्हें आशा थी कि राम तेरे गंगा मैली से उनका कैरियर संवर जाएगा,
पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे में मिथुन चक्रवर्ती ने दिव्या राणा को इंडस्ट्री में स्थापित करने की कोशिश की और अपनी कई फिल्मों में उन्हें छोटे बड़े रोल दिलवाए। जहां 1985 की फिल्म मां कसम में वो मिथुन की नायिका बनी, वहीं 1986 की फिल्म मुद्दत में वो एक गीत में डांस करती नजर आई। 1987 में भी वो मिथुन की फिल्म परम धर्म में सहायक भूमिका करती दिखी थी और इसी साल आई फिल्म वतन के रखवाले में भी एक छोटी सी भूमिका निभाई। पर मिथुन के प्रयास के बावजूद दिव्या राणा कभी भी एक बड़ी अभिनेत्री के रूप में खुद को स्थापित नहीं कर पाई और जल्द ही फिल्मों से किनारा कर लिया। फैक्ट नंबर 6, इस फिल्म में शक्ति कपूर एक पुलिस वाले की भूमिका में नजर आए थे। फिल्म की नायिका पद्मिनी कोल्हापुरे रिश्ते में शक्ति कपूर की साली लगती हैं और दोनों के साथ में एक दर्जन से ज्यादा फिल्में हैं, पर इनमें से अधिकतर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल साबित हुई हैं। 1985 की फिल्म प्यारी बहना और 1986 की फिल्म मुद्दत, इन दोनों की वो गिनी चुनी सफल फिल्में हैं जिनमें दोनों साथ नजर आए थे। गौरतलब है कि इन दोनों फिल्मों के नायक मिथुन चक्रवर्ती रहे। साथ ही 1986 की सुहागन और मुद्दत वो दो फिल्में हैं जिनमें शक्ति कपूर और पद्मिनी कोल्हापुरे नजर तो आए हैं पर दोनों का साथ में एक भी दृश्य नहीं है। शक्ति कपूर से जब एक इंटरव्यू में यह पूछा गया कि उन्हें कौन सी अभिनेत्रियों के साथ काम करना ज्यादा पसंद है, तो उन्होंने कहा था कि वो दो अभिनेत्रियों के साथ काम करके काफी खुशी महसूस करते हैं, एक तो श्रीदेवी और दूसरी उनकी साली पद्मिनी कोल्हापुरे। फैक्ट नंबर 7, बप्पी लाहिड़ी जिस समय फिल्म मुद्दत के लिए संगीत तैयार कर रहे थे उसी समय कुछ प्राइवेट एल्बम्स पर भी काम कर रहे थे। इन एल्बम्स की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इसमें उनके साथ कई अभिनेता अभिनेत्री भी गाना गाने वाले थे। ऐसे में बप्पी लाहिड़ी ऐसे अभिनेत्रियों की तलाश में थे जिनकी आवाज अच्छी हो। जब उन्हें पता चला कि पद्मिनी कोल्हापुरे एक प्रशिक्षित गायिका हैं और बचपन में ही उन्होंने अपनी बहन के साथ मिलकर 20 से ज्यादा गाने गाए हैं, ऐसे में बप्पी लाहिड़ी ने अभिनेताओं वाले एल्बम्स की श्रृंखला के पहले एल्बम डांस डांस म्यूजिक लवर के लिए पद्मिनी कोल्हापुरे को चुना और ये एल्बम खासा मशहूर भी हुआ। बप्पी लाहिड़ी पद्मिनी कोल्हापुरे से फिल्म मुद्दत में भी गवाना चाहते थे, पर फिल्म में पद्मिनी कोल्हापुरे पर केवल दो ही गीत फिल्माए जाने थे और बप्पी लाहिड़ी को लगा कि वो गीत उन पर शूट नहीं करेंगे। ऐसे में उन्होंने पद्मिनी कोल्हापुरे से यह वादा किया कि वो उन्हें किसी और फिल्म में जरूर गवाएंगे। बाद में सन 1987 की फिल्म सड़क छाप और 1989 की फिल्म हम इंतजार करेंगे में बप्पी लाहिड़ी ने पद्मिनी कोल्हापुरे को गाने का मौका दिया। फैक्ट नंबर 8, फिल्म फेयर पत्रिका ने जनवरी 1987 के अपने अंक में साल 1986 का ब्यौरा देते हुए कहा था कि इस साल जो अभिनेता सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट साबित हुआ वो है मिथुन चक्रवर्ती, जिन्होंने साल 1986 में कई हिट फिल्में देकर ये साबित कर दिया कि 1987 की सफलता सिर्फ तुक्का नहीं था। साल 1986 में मिथुन चक्रवर्ती ने स्वर्ग से सुंदर, मुद्दत, जाल और दिलवाला जैसी सुपरहिट फिल्में दी। इन्होंने इस साल बड़े बैनर की फिल्मों और छोटी फिल्मों के बीच अच्छा सामंजस्य स्थापित किया जो कि उन्हें बाकी अभिनेताओं से बिल्कुल अलग बनाता है। फैक्ट नंबर 9, फिल्म मुद्दत में मशहूर कॉमेडियन व चरित्र अभिनेता अशोक सराफ एक सहायक भूमिका में नजर आए थे। साल 2020 में अशोक सराफ और पद्मिनी कोल्हापुरे मराठी फिल्म प्रवास में बतौर नायक नायिका साथ में नजर आए। प्रवास फिल्म को इस तरह से प्रचारित किया गया कि पहली बार अशोक सराफ और पद्मिनी कोल्हापुरे एक साथ नजर आएंगे, पर सच ये था कि ये दोनों कलाकार साल 1986 में फिल्म मुद्दत में साथ काम कर चुके थे। फिल्म प्रवास की शूटिंग जब शुरू हुई तो अपनी पुरानी स्मृतियों की याद के तौर पर अशोक सराफ ने पद्मिनी कोल्हापुरे को फिल्म मुद्दत के LP डिस्क भेंट किए थे, जिसके एक गीत पेड़ों को गाली देने दो का फिल्मांकन मिथुन और पद्मिनी के अलावा अशोक सराफ पर भी किया गया था। फैक्ट नंबर 10, 80 के दशक में कादर खान और असरानी की जोड़ी बेहद लोकप्रिय हुई थी और अक्सर फिल्मों में इन दोनों की जोड़ी साथ नजर आती थी, पर मुद्दत उन गिनी चुनी फिल्मों में से एक थी जहां कादर खान और असरानी दोनों ने साथ काम तो किया है पर दोनों का साथ में एक भी दृश्य नहीं है। फिल्म में जहां कादर खान खलनायक की भूमिका निभाते नजर आते हैं, वहीं हास्य अभिनेता के तौर पर असरानी की जोड़ी अभिनेता राजेश पुरी के साथ बनाई गई थी। फैक्ट नंबर 11,
फिल्म के गीत लिखे थे एसएच बिहारी ने, जिन्हें संगीतकार ओपी नैयर ने शायर आजम के खिताब से नवाजा था। एसएच बिहारी ने लगभग अपना पूरा कैरियर ओपी नैयर के लिए गीत लिखते हुए गुजारा था, पर 1970 के दशक में ओपी नैयर और एसएच बिहारी दोनों फिल्मों से गायब हो गए। ऐसे में उन्हें लगभग एक दशक की बेकारी के बाद बप्पी लहड़ी ने अपनी फिल्म कराटे में गीत लिखने के लिए बुलाया। ये एसएच बिहारी की 70 के दशक के आरंभ के बाद पहली बड़ी फिल्म थी, और यह कहा जाए तो गलत न होगा कि बप्पी लहड़ी ने उन्हें उस वक्त काम दिया जब बिहारी साहब गरीबी और बीमारी से त्रस्त थे। 1986 में बप्पी लहड़ी ने उन्हें एक बार फिर फिल्म मुद्दत के लिए गीत लिखने के लिए मौका दिया। ये बात अलग है कि इस समय तक एसएच बिहारी प्यार झुकता नहीं और तेरी मेहरबानियां जैसी फिल्मों के बाद दोबारा ख्याति प्राप्त कर चुके थे। इस फिल्म के गीत भी बेहद सफल साबित हुए और एसएच बिहारी ओपी नैयर के शायर के ठप्पे से निकलकर एक अलग पहचान बनाने में कामयाब हुए। फैक्ट नंबर 12, फिल्म मुद्दत का संगीत अपने समय में काफी लोकप्रिय हुआ था। साल 1986 की सिबाका गीतमाला में भी फिल्म के दो गीतों को जगह मिली। 25वें स्थान पर जहां प्यार हमारा अमर रहेगा गीत को जगह मिली, वहीं मुझे कहते हैं रोमियो गीत को इसी सूची में 36वां स्थान प्राप्त हुआ था। इसके अलावा प्यार हमारा अमर रहेगा गीत को YouTube पर 90 के दशक से पहले के सबसे लोकप्रिय गीतों की सूची में 18वां स्थान प्राप्त हुआ है, जिसे 156 मिलियन से ज्यादा व्यूज हासिल हुए हैं। फैक्ट नंबर 13, फिल्म मुद्दत मिथुन चक्रवर्ती और पद्मिनी कोल्हापुरी की जोड़ी की एकमात्र ऐसी फिल्म है जहां दोनों का मिलन नहीं होता है, और फिल्म का अंत पद्मिनी कोल्हापुरी की मौत और मिथुन और जयाप्रदा के मिलन के साथ होता है। जब पद्मिनी कोल्हापुरी से पूछा गया कि उन्होंने किस आधार पर ऐसी भूमिका स्वीकार की जहां फिल्म का प्रचार प्रसार तो मिथुन चक्रवर्ती और पद्मिनी कोल्हापुरी की जोड़ी के रूप में किया गया, पर उनकी भूमिका जयाप्रदा की अपेक्षा छोटी रही। इस पर पद्मिनी कोल्हापुरी ने जवाब दिया कि उनके लिए फिल्म की कहानी के अलावा फिल्म का निर्देशक बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कई बार जब उन्हें कहानी सुनाई जाती थी तो वो सुनने में काफी अच्छी लगती थी, पर कमजोर निर्देशक कहानी और किरदारों के साथ न्याय नहीं कर पाते और अच्छी कहानी भी पिट जाती है। उन्हें विश्वास था कि इस फिल्म के निर्देशक के बपैया वही बनाएंगे जो उन्हें सुनाया गया है। जहाँ तक किरदार के लंबाई की बात है तो कलाकारों को रोल का मोह होना चाहिए, नहीं कि रोल के लंबाई की। इसी के चलते उन्होंने जयाप्रदा से छोटा रोल स्वीकार किया, और इसी तरह जयाप्रदा ने भी उनकी अगली फिल्म ऐसा प्यार कहा में उनके समक्ष छोटा रोल स्वीकार किया था। फैक्ट नंबर 14, बप्पी लहड़ी पर अक्सर ये इल्जाम लगाया जाता रहा है कि उनके गीत एल्विस प्रेस्ले, जॉन ट्रावोल्टा और माइकल जैक्सन जैसे रॉक स्टार्स के गीतों के धुनों से प्रभावित नजर आते हैं। फिल्म मुद्दत के गीत मुझे कहते हैं रोमियो पर भी ये इल्जाम लगा कि ये गीत लॉरा ब्रानिगन के गीत सेल्फ कंट्रोल से प्रभावित नजर आता है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि सेल्फ कंट्रोल नामक यह गीत भी संगीतकार राफ के एक गीत का कवर वर्जन था। साथ ही मुझे कहते हैं रोमियो गीत में कई और गीतों का प्रभाव भी साफ दिखता है, जैसे कि लाइफ इज लाइव, मियामी साउंड मशीन आदि। पर बप्पी लहड़ी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि धुने सब चुराते हैं, पर लोग मेरी आलोचना सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि मैं बाकी संगीतकारों की तरह अपनी चोरी नहीं छुपाता। उन्होंने यह भी कहा कि मेरी धुने कभी भी चोरी नहीं रहती, अलबत्ता उन पर पश्चिमी गीतों का प्रभाव जरूर दिखता है। फैक्ट नंबर 15, फिल्म मुद्दत साल 1985 की तेलुगु फिल्म चटमत्थो पोर्ताम की रीमेक थी, जिसमें चिरंजीवी, माधवी और सुमन लता प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे। दरअसल इस फिल्म की सफलता का बड़ा श्रेय फिल्म के लेखक जोड़ी परचुरी वेंकटेश राव और परचुरी गोपाल कृष्ण को जाता है, जिन्हें दक्षिण भारतीय फिल्मों का सलीम जावेद समझा जाता था। इन्होंने 80 के दशक की तेलुगु सिनेमा में क्रांति ला दी थी और 3 दशक तक सैकड़ों फिल्में लिखी और निर्देशित की थी। तो ये थी सन 1986 की बेहद ही लोकप्रिय फिल्म मुद्दत पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।